दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज लीगल वर्ल्ड में आम लोगों में एक बात होती है कि कोई प्रॉपर्टी का मसला है, कोई एडवाइस देते हैं कि जाके कोर्ट में जाओ और तुम स्टे ऑर्डर ले लो, मना हुक्म ले लो। तो सिविल कोर्ट मना हुक्म देती है, स्टे देती है। तो ये मना हुक्म और स्टे क्या होता है लॉ में, तो उस सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रेड विथ सेक्शन 94 एंड सेक्शन 151 डील्स विथ द प्रोविजंस ऑफ ग्रांटिंग इंजंक्शन। मेरे वकील दोस्तों को तो मालूम होगा कि ऑर्डर 39 रूल 1 2 में हम एप्लीकेशन देते हैं, कोर्ट सामने वाली पार्टी को इंजक करती है, रुकाती है कि तुम्हारा आगे बढ़ने का नहीं। तो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 और सेक्शन 94 एंड 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये बता रहे हैं कि अगर किसी का कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अब सामने वाला बंदा वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की तजवीज़ करता है या उसे सेल आउट करने की तजवीज़ करता है या उसमें कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, तो जो बंदा जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो प्रॉपर्टी में, ही कैन गो टू द सिविल कोर्ट, फाइल सिविल सूट। सिविल सूट में ही वुड मेंशन एवरीथिंग दैट द हाउ हिज इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इन द प्रॉपर्टी इन डिटेल, फ्रॉम विच एंड विद डेट ऑन द बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेल डीड, बाय वर्च्यू ऑफ दिस एग्रीमेंट टू सेल, बाय वर्च्यू ऑफ दिस गिफ्ट, बाय वर्च्यू ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड और वो डेक्लेरेशन की प्रेयर मांगता है कि सर कोर्ट को बोलेगा कि एट द एंड ऑफ द ट्रायल द ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू डिक्लेयर दैट आई एम एंटाइटल टू दिस एंड दिस शेयर इन दिस प्रॉपर्टी। अब ये सूट चलने में तो लंबा टाइम लगेगा, इट वुड टेक ईयर्स टूगेदर, समटाइम्स इट वुड टेक डिकेड्स टूगेदर फॉर द कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ द सूट। तो अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अगर लगता है कि अगर सूट तो पेंडिंग कर दिया लेकिन कोर्ट ने कोई सामने वाली पार्टी को इंजेक्ट नहीं किया, रिस्टेन नहीं किया है, तो फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट द पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टी कैन गिव एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रेड विथ सेक्शन 94 एंड 151 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। अब कोर्ट इंजंक्शन जब ही देगा जब कोर्ट को लगेगा कि जो आदमी ने सूट दाखिल किया है ही हैज मेड आउट ए प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी केस के बारे में भी काफ़ी बहस, बहुत सारे चुकादे डिसीजंस है। प्राइमा फेसी केस माय डियर फ्रेंड्स वो होता है कि द प्लेंटिफ मींस द एप्लीकेंट हु इज इन अ पोजिशन टू शो फ्रॉम द प्लीडिंग्स दैट प्राइमा फेसी फ्रॉम द क्या बोलते हैं जिसे बर्ड्स आई व्यू करके भी बता सकता है कि यस माय इंटरेस्ट इज देयर इन द प्रॉपर्टी, तो उसे प्राइमा फेसी केस बोलते हैं कि यस हिज केस इज ट्रायबल, हिज केस हैज गॉट सम सब्सटेंस, तो फिर उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी केस। इन अदर वर्ड्स वी मे से प्राइमा फेसी केस उसको बोलते हैं कि दिस सूट इज नॉट अदरवाइज क्या बोलते हैं वेक्सेटियस एंड फ्यूलस एंड हैविंग नो फाउंडेशन, तो ऐसा अगर नहीं है तो उसे बोलते हैं कि भाई देर इज सम ही हैज रेज सम सीरियस इश्यूज विच रिक्वायर्स ट्रायल एट द हैंड ऑफ द सिविल कोर्ट, दैट इज कॉल्ड प्राइमा फेसी केस। ये दिस इज द फर्स्ट इंग्रेडियंट इन ऑब्टेनिंग इंजंक्शन।
The second and third most important ingredients are balance of convenience and irreparable injury. अब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के ऐसे एस्टेब्लिश करना होता है कि द पर्सन हु हैज फाइल द सूट मस्ट बी इन अ पोजिशन टू एस्टेब्लिश दैट इफ द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन इज नॉट ग्रांटेड ही इज गोइंग टू सफर इरिपेरेबल लॉस और ही मे से दैट द पर्पस ऑफ फाइलिंग द सूट वुड बी डिफीटेड. उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस. और ऐसा इरिपेरेबल इंजरी है कि अगर नई इंजंक्शन देते हैं तो वो इंजरी ऐसा होगा कि विच कैन नॉट बी कॉम्पेंसेटेड फॉर इन टर्म्स ऑफ मनी. तो उसे तो ये तीन फैक्टर्स को सिविल कोर्ट ध्यान में रखती है बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन. फर्स्ट इज प्राइमा फेसी केस, सेकंड इज बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, थर्ड इज इरिपेरेबल इंजरी. अब जो मिसकंसेप्शन है खास करके हमारे एडवोकेट्स भाइयों में भी कि अगर प्राइमा फेसी केस बना दिया और इरिपेरेबल इंजरी और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस नहीं है तो फिर भी इंजंक्शन नहीं मिलेगा. व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू इज दैट के द एप्लीकेंट प्लेंटिफ मस्ट बी इन अ पोजिशन टू एस्टाब्लिश दैट ही हैज इन हिज फेवर थ्री पॉइंट्स टूगेदर, प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इरिपेरेबल इंजरी. इसमें से अगर एक भी मिसिंग है तो ही इज नॉट एंटाइटल फॉर इंजंक्शन. तो ये बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में से इसको कवर नहीं कर सकते. ये मैंने आपको प्राइमा फेसी केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, इरिपेरेबल इंजरी है, ये ध्यान में रखते हुए जो शख्स ने कोर्ट में केस दाखिल किया है उसको अगर इंजंक्शन एप्लीकेशन की इंटीरियम एप्लीकेशन बोलते हैं देता है तो कोर्ट उसे इंजंक्शन देती है, मींस सामने वाले बंदे को ओपोनेंट को रिस्ट्रेन करती है कि तुम्हारे यू आर रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट और टिल एनी अपॉइंटेड डेट. माई डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताऊँगी, इट इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक, इट रिक्वायर्स 4, 5, 6 वीडियोज. दिस इज माई प्राइमा फेसी, क्या बोलते हैं, प्राइमा फेसी मेरा ओपिनियन है वीडियो के बारे में. उसके बाद के भी मैं वीडियो बनाऊँगा एक के बाद एक करके डिसीजंस के साथ. तो ये इंजंक्शन क्या होता है, ऑर्डर 39, CPC ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 रेड विथ सेक्शन 94 and 151. ये मेरा पहला और बेसिक वीडियो है. मैं दूसरा ही यही टॉपिक पे डिटेल में वीडियो 3, 4, 5 बनाऊंगा और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा. मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बेस्ट ऑफ लक टू यू. नमस्कार.